गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधात्मक आदेश हटाने से सूरत के रुद्रपुरा म्युनिसिपल शॉपिंग को तोड़ गिराने के लिए डिमोलिशन पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। परिसर का दबाव दूर करने का काम नगर पालिका के कर्मचारियों ने हाथ लिया है। उच्च न्यायालय ने बुलेट परियोजना के एससी के अवलोकन का हवाला देते हुए एक निरोधक आदेश को हटाने के साथ सूरत में एक मेट्रो रेल परियोजना का मार्ग प्रशस्त किया है। सूरत में रुद्रपुरा नगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली करने के मुद्दे पर हाईकोर्ट द्वारा जारी रोक आदेश को हटाने के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके इलाके के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कुछ दुकानदारों ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के चलते निगम द्वारा अपनी दुकान खाली करने के लिए जारी नोटिस को गुजरात हाईकोर्ट की चुनौती दी थी। हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को संज्ञान में लिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि लंबे समय तक निषेधाज्ञा जारी कर अदालत को बिना प्रचार के महत्वपूर्ण परियोजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पुलिस और नगर पालिका का एक बड़ा काफिला राहत पहुंचाने के लिए मौके पर पहुंच गया है, जिन्होंने दुकानों को गिराने का काम हाथ में लिया है। उधर दुकानदारों के विरोध के बीच पुलिस ने काफिले का इंतजाम किया है। हालांकि अब शांतिपूर्ण माहौल में कार्यवाही शुरू हो गई है और नौकरी छूटने से कोई मुआवजा नहीं। रुद्रपुरा नगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदार राजेश बिराजकर ने कहा, हमने 17 साल पहले और 2 लाख रुपए देकर बुकिंग की थी। उस समय नगर पालिका ने हमसे कहा था कि हम आपको मुआवजा नहीं देंगे या दुकानें खाली नहीं करेंगे। ऐसा लगा कि हमें 99 साल की लीज पर जगह मिल गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज 70 साल की उम्र में भी हमें सही कीमत नहीं मिल पाई है, इसलिए हम महसूस कर रहे हैं कि नगर पालिका द्वारा अन्याय किया गया है।